कुछ स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ चर्चाओं में, क्या मामला था? जो स्टिंग ऑपरेशन होया वो मैनू भी नहीं पता सी, जिवें तुसीं अज आ गए आ दो भाई उठ के भाग गए तो मैनू नहीं पता सी कौन किवें भागया किवें नहीं भागया। मतलब भी मैनू सैशन चलता सी, सैशन चलदे दे विच एक टैलीफोन आया कि असीं तुहाडे नाल मीटिंग करनी है, तो मैं आप वर्बली वैसे पहला ही मीटिंगां हुंदियां हुंदियां सी, मैं आख्या भी ठीक है तुसीं आ जाओ, सैशन चलदा एक बजे लाइन च होऊगा, तुसीं कोठी आ जाओ मैं उत्थे तुहाडे नाल मीटिंग कर लूँगा। तो उस तों बाद मैं एक बजे कोठी गया तो दो आदमी आए जिन्हां कोले काला बैग वधिया अर्जेंटलमैन पूरे बिजनेसमैन लगते सी, जैसे बिजनेसमैन हुंदे आ, ये तो है ही नहीं सी कि यह पत्रकार भावी है, मतलब बिजनेसमैन लगते सी। तो उन्होंने मैनू अंदर वाड़ लिया और जिहड़ा मेरा साथी पी एस ओ सी उन्हूं बाहर कढ़ता। मैं भी कहा भी बैठा रहना तो कोई गल नहीं अपना ही है तो, पर लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी परसनल गल है जी, मतलब एजेंसी की गल है, इहनूं तुसीं बाहर भेज दो। मैं उन्होंने बाहर भेजता, मैं कहा धर्मवीर तू बाहर बह जा, मैं इन्हां नाल अद्धा घंटा जी मीटिंग कर लैंदे। तो उन्होंने एक बड़े स्पष्ट ही कहा कि वह कह लगे जी असी तुहाडे सूरतिया साइड वाले पासे एक कंपनी ने बहुत बड़ा प्रोजैक्ट लाउणा, तुहाडे जमीन उत्थे बहुत पई है और जमीन उत्थे सस्ती भी है। मैं भी उन्होंने कहा भी जमीन साढ़े 9-10 लाख नूं प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन सानूं मिल जूगी, किन्नी जमीन मर्जी खरीद लियो। तो उन्होंने कहा जी एक तो सानूं जमीन दवायो और एक एस पी साहब जां डी सी साहब तो जो भी काम होगा साड़ी मदद करनी होगी, थोड़े इलाके च वो प्रोजेक्ट लगना। मैं आख्या भी चल ठीक है, ये तो अभी थोड़ी मदद कर देंगे। बाकी उन्होंने कहा जी उग्रवाद का टाइम है जी, उधर गैंग चल गैंगरेज चलते हैं, जूँ बूँ सू डर है। मैं भी कोई दिक्कत नहीं, साढ़े शांत है लोग। तो फिर उन्होंने कहा जी अगर तुम ये साढ़े मदद करोगे तो असी तुहाडा इलैक्शन लड़ांगे, कंपनी तुहाडा इलैक्शन लाऊगी, करोड़ तो लैके 10 करोड़ रुपये तक तुहानू ऑफर है, तुसी जे अगर 10 करोड़ तक मंगोगे कंपनी ने देना। तो मैं उन्होंने एको जवाब दिता सी कि मेरे पैसा नहीं लगता इलैक्शन दे विच, हालांकि वह भी हैरान रहेंगे जी आप यही गल किवें कह रहे हो। मैं कहा मेरे नाल हड्डबीती हुई है, जेकर मैं जेकर हड्डबीती ना बीती हो तो मैं कह दिया मेरे तो सरपंची वेले पैसा नहीं लग्या, जिला परिषद वेले पैसा नहीं लग्या, MLA लड़ा तो नहीं पैसा लग्या, MP का इलैक्शन तो नहीं पैसा लग्या, मेरी जेब तो लग्या नहीं। लेकिन इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी ने ते कार्यकर्ता साथी ने अपनी जेब चो पैसे ला के चुनाव मेरा लड़ते होंगे, मेरा कोई पैसा नहीं लग्या। तो लेकिन फिर उन्होंने मैं ये कहता अगर जे तुसी पैसा नहीं लोगे, पैसे नहीं लोगे तो सानू कमीशन नहीं मिलेगा। मैं आखिया भी तुहाडे कमीशन का तो मैं जिम्मेवार नहीं हैगा, लेकिन मैं उहदे विच प्रोजैक्ट दे विच एक चीज़ मेरी जरूर लिख लियो कि जिहड़ा प्रोजैक्ट उत्थे लगेगा उत्थे 100-150 मुंडा साडा नौकरी ते जरूर ला दिया। तो उन्होंने कहा जी ये गल असीं कंपनी नाल करांगे, जदों भी कंपनी आऊगी तुहानूं असीं दस देंगे। लेकिन जदों उन्होंने ये गल कर ली कि पैसे नहीं मंग रहे, तो उन्होंने बैग खोलिया 2-2 हज़ार के नोट, जिवें आपां तूड़ी जिवें खुली दे विच तूड़ी रोल दिंदे आ, ऐ थोड़ा जिहा मैनूं दिखाउण दी कोशिश करी ते कहे जी पैसे आए हुए ने तुसीं मोड़ो ना, तुहाडे हल्के च पैसे लगणगे, एक हल्के दे करोड़ रुपये तो मामूली गल है। मैं आख्या भी थोड़ा मैं पहले ही कहता पैसा मेरे नहीं लगता तो मैं पैसा नहीं लेना, यह गल मंजूर है तुम ठीक कर लो। फिर उन्होंने सोचा भी ठीक है, कहें जी असं 15 दिन बाद आवेंगे और जमीन देखा थोड़ी। मैं कहा भी ठीक है तुम जमीन देख लो, कि 15 दिन आने से मैं तो यही नहीं पता लग, मैं तो हूँ पता लगता कि वह बंदे यह जे मैं तो हूँ 5 दिन पता लग गया कि वो जी पार्टी आई सी वह तो इस तरीके आई सी।